हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हो ट्रैवल वर्ल्ड। तो लास्ट टाइम मैं आपके सामने लेके आया था मुंबई एसी लोकल ट्रेन की जर्नी, और इस बार हम आए हैं साउथ बॉम्बे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक, जहाँ से हम लेने वाले हैं मुंबई की डबल डेकर बस, जिसे कहा जाता है, जिसे ओपन एयर बस भी कहा जाता है। और वो बस हमें टूर कराने वाली है मुंबई के डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टूर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, न जाने यहाँ पे कितने लोग आते हैं अपने सपने लेकर। और यहाँ पे स्थित है बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो कि कई दशकों पुरानी है। तो उसी टूर को हम आज चालू करने वाले हैं वाया ओपन डबल डेकर बस, जिसे ओपन एयर बस भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टूर। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी बस यहाँ पर आ गई है और अभी हम हमारा सफ़र शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं बस में। तो ये है हमारे बस का एंट्रेंस एंड दिस इज़ द स्टेयर केस विच गो टूवर्ड्स द अपर डेक, और ये है बस का लोअर डेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 36 नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैन सिट। तो 36 पैसेंजर की कैपेसिटी है एंड मोस्टली जैसे मैंने बात की ड्राइवर दादा से, तो ये डेक मोस्टली खाली रहता है या कम पैसेंजर्स रहते हैं। तो अभी हम जाएंगे अपर डेक, देखते हैं वहाँ पे क्या माहौल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपर डेक पे लोग हैं, लोअर डेक तो पूरा ही खाली था। और ये बस जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, तो इन 10-15 मिनट्स आई थिंक द मोर पैसेंजर्स विल बी ऑन बोर्ड। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन से एंड 36 पैसेंजर्स कैन ऑन बोर्ड ऑन द अपर डेक एज वेल। हेलो दोस्तों, तो अभी बात करते हैं ड्राइवर दादा से कि आज की ये बस कहाँ कहाँ पे जाने वाली है एंड अबाउट द अदर इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट इज़ द फेयर एंड टाइमिंग ऑफ दिस बस। तो संतोष जी, आप क्या बता सकते हैं कि ये बस का टाइमिंग क्या है और फेयर डिटेल्स? ये बस का टाइमिंग 3:30 बजे से चालू होता है, हर एक घंटे में गाड़ी अपना चालू है। ओके, गेट ऑफ इंडिया से स्टार्टिंग होता है, वन घंटे का सफ़र है। ओके, उसमें आपको साउथ मुंबई का दर्शन होता है, उसमें आपको नरीमन पॉइंट है, गिरगांव चौपाटी है, वहाँ से तारापुर मच्छालय है, फिर वहाँ से आप वैसे जैसे आएंगे आगे आपको चौपाटी का दर्शन है, फिर ऐसे हर एक घंटे में आपको दर्शन है, मुंबई दर्शन वगैरह चालू है। और इसमें अपना नया मुंबई BST ने नया उपक्रम चालू किया है, इसमें आपको डबल डेक का मजा है एक घंटे का। उसके बाद में आपको हिप हॉप और एसी बस का सर्विस किया है चालू, इसमें भी नया एसी बस चालू किया है। उसमें 3 या 3.5 घंटे का अपना सफ़र है, वो एसी बस में पूरा एसी गाड़ी है, आपको बिना टेंशन आप बिंदास घूम सकते हैं। तो ये जो बस है ये रनिंग बस है या कहाँ पे रुकने वाली है? नहीं नहीं, रनिंग बस है। ओके, या इसमें बैठ के आपको रनिंग में दिखाया जाता है। ओके, कि वो ये नरीमन पॉइंट है, गिरगांव चौपाटी है, तारापुर मच्छालय है वगैरह वगैरह, ऐसा बताया जाता है। अपना गवर्नमेंट सर्विस है, हाँ। आप उन रुका के किधर खड़ा नहीं कर सकते। राइट, बराबर। ट्रैफिक भी बहुत होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसके वजह से आपने का जितना हो सके उतना ट्रैफिक ना हो जाए और पब्लिक को अपने अच्छा दर्शन मिल जाए, मुंबई दर्शन, वो हिसाब से हम लोग BST बस चालू किया है। और टिकट का कैसे सिस्टम है? हम कहाँ से टिकट आपको बुक करना है? तो मुंबई दर्शन का जो हमारा म्यूजियम में चौकी है, हाँ हाँ, उधर भी आप बुकिंग कर सकते हैं। ओके, नहीं तो अपना बुकिंग पॉइंट है श्यामा प्रसाद चौक, उधर से ऑनलाइन बुकिंग है। हेरिटेज क्रूज
बस करके आप उधर जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। ओके तो थैंक यू सो मच। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे है हमारे टूर के आज के गाइड, और जो आज हमें गाइड करेंगे थ्रू आउट द टूर, दे विल टेल अस अबाउट द डिफरेंट लोकेशंस एंड व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ दोस लोकेशंस। तो चलिए सुनते हैं। बेस्ट मार्क बेस्ट भवन, ये बेस्ट का भवन है, यहाँ पूरा बेस्ट का कारोबार यही से चलता है। ये पूरे समुद्र का एरिया, यहाँ से जो ये पूरा मरीन ड्राइव का एरिया है, यहाँ पे आप रात में घूम सकते हैं, दिन में घूम सकते हैं, जब चाहे। अभी ये लॉकडाउन की वजह से बंद था, अभी सबके लिए चालू कर दिया गया है। अभी आप आके यहाँ पे घूमकर यहाँ का मजा ले सकते हैं। जो रहता है गणेश विसर्जन, यहाँ के सबसे ज्यादा गणेश विसर्जन होते हैं, और ये गिरगांव चौपाटी। अगर आप मुंबई में अगर जाना चाहेंगे तो मुंबई में तीन तरह की चौपाटियाँ हैं, गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी और ऐसे दो तीन चौपाटी है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग जुहू चौपाटी में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब उन्हें ऐसा लगता है कि सब हीरो वगैरह जो फिल्म सिटी के लोग हैं वहीं पे सितारे हमको मिलेंगे, इसलिए सब लोग वहीं पे जाते हैं ज्यादातर। लेकिन ये स्टैचू दिखेगा आपको, वो है लोकमान्य तिलक का स्टैचू, इधर अंदर गार्डन में दिया गया है। और जब आप आगे देखेंगे, जब कसाब को साथ में हमला करने के बाद, ओबेरा में आए थे, ओबेरा में हमला करने के बाद जब वहाँ से उन्होंने एक गाड़ी हाईजैक करके इसी रोड से वो भागते हुए आगे आए थे, और यही सिग्नल पर उन्हें रोका गया था। शहीद तुकाराम ओंगले साहब जो थे उन्होंने यहाँ पर उन्हें रोका था, और तब तो ये यहाँ पर शहीद हुए थे। जब उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर से कसाब जो था उसने उन्हें उन पर फायरिंग की और वो शहीद हो गए, हमें बचाते हुए शहीद हो गए। तो आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे, ये जो है ये विल्सन कॉलेज, ये मुंबई में बहुत ही पुरानी कॉलेज है, और यहाँ पे जो है यहीं पर भी मूवी के सीन्स शूट किए जाते हैं। यहाँ पे आपको इस बिल्डिंग को आपने बहुत ही मूवी में हॉस्पिटल या कोर्ट रूम या हॉस्पिटल के रूप में देखा होगा, जब मुन्ना भाई MBBS, ये तो आपको पता ही होगा, इसी बिल्डिंग में वो हॉस्पिटल दिखाया गया है। ये विल्सन कॉलेज है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता लोग जो थे उन्होंने भी यहाँ पर एजुकेशन लिया हुआ। ये बहुत ही पुराना स्कूल है। हेलो दोस्तों, तो हमारे साथ है अभी विकेश जी, जो कि हमें टूर के बारे में बताएंगे अभी तक का एक्सपीरियंस कि उनको कैसे लग रहा है। तो विकेश जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपको अभी तक कैसा लगा आज का टूर। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको कभी ऐसा मुंबई दर्शन करना होगा ना, तो आप ये जो बस जिसपे अभी हम दोनों हैं तो वहाँ पर आप इजिली आ सकते, बिकॉज अगर आपको जैसे अपनी मुंबई इतनी बड़ी है और जो चीज़ जैसे कि हम जैसे अगर हम अभी मरीन ड्राइव है जो उसके रोड के जो बारे में जो पता नहीं होता हमको, जैसे उस रोड को बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम भी मिले हैं, उसमें से एक नाम ये भी है द क्वीन करके, जो कि इस रोड को दिया गया, वो चीज़ हमको पता नहीं थी। हम यहीं पर रहते थे जस्ट मुंबई में, इतने बड़े हो गए बट फिर भी हमको पता नहीं चला था। उसके अलावा इसका जो एक्सपीरियंस है वो एकदम अल्टीमेट है गाइस, जो हम जब रोड पे चलते हैं ना गाइस तो हम सिर्फ सामने की चीज़ें देखते हैं, बट लेकिन अभी हम जो डबल टेकर पे बैठे हैं ना इस बस में, तो उससे ना हमको मुंबई का पूरा नज़ारा दिख रहा है, जो कि हमारे लिए एक्सपीरियंस लेना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको इस टूर के बारे में क्या अच्छा लगा, मतलब प्राइसिंग या फिर जो नज़ारे देखने मिलते हैं हमें मुंबई के, या और कोई बातें जो है? गैस देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका प्राइस रेट है ना गैस 150 रुपीज़ है, आज के टाइम पे 150 रुपीज़ ईजिली कोई भी प्रिफर्ड कर सकता है, और 150 में आपको इतने सारे नज़ारे विद आपको जो हिस्ट्री जो हमारी मुंबई की पहले जो हिस्ट्री थी ना वो भी आपको पता चल जाएगी। एंड नेक्स्ट बात, जो यहाँ का जो हम जैसे कभी आते हैं आगे बैठते मरीन ड्राइव पे, बट मरीन ड्राइव से हम देख पाते खाली कि कैसे दिख रहा है, बट लेकिन अगर आप इसके ऊपर बैठ के देखोगे ना गाइस तो वो जो एक्सपीरियंस है ना वो एकदम अलग हो जाएगा। और जो कहते हैं ना हमको, हमारे साथ तो कुछ जाने वाला नहीं है, बट जो एक्सपीरियंस रहेगा ना वो हम अपने थ्रू और लोगों को बता सकते हैं। राइट, तो आप क्या रिकमेंड करोगे लोगों के लिए ये बस आने के लिए? यस गाइस, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपको, आप एक दिन निकाल के, एक दिन भी मत निकालिए, आप सिर्फ अपना जो जॉब है उसका हाफ डे ले लीजिए, हाफ डे निकाल के आ जाइए यहाँ पे,
3 बजे से पहली बस चालू होती है, पहली बस से नहीं आ सकते तो 5 बजे सेकंड जाएगी जो बस उससे आ जाइए, लेकिन आके एक बार एक्सपीरियंस लीजिए। 150 रुपीज़ तो गाइस हम ऐसे ही यहाँ वहाँ खर्चा कर देते हैं, शॉपिंग में कर देते हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। हमारे पास कपड़े रहते फिर भी हम कर देते हैं, बट नहीं करना चाहिए, सही बात है ये। तो मैं भी अप्लाई करता हूँ, मेरे पे मुझसे भी हो जाती है कभी गलती, इंसान यार गलती तो होती रहती है, बट वही 150 रुपीज़ लेके एक बार यहाँ पर आइए और यहाँ का आके अल्टीमेट एक्सपीरियंस लीजिए, आपको भी बहुत मजा आएगा। ठीक है विकेश जी, थैंक यू सो मच। तो हमारा अभी तक का टूर बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे गाइड जो है यहाँ पे पल पल की खबर दे रहे हैं, क्या है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, एंड अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स जो यहाँ पे हुए थे। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे है चर्च गेट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, हिसाब से जो भी मुंबई घूमने आ रहा है या जो भी ट्रैवलर्स है जो मुंबई में आते हैं एज अ सोलो ट्रैवलर और विद अ ग्रुप्स, दे शुड टेक अ दिस ट्रिप एटलीस्ट वंस, लाइक ऑन द वीकेंड यहाँ पे बहुत भीड़ होता है तो टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, तो वीकडेज में आप ट्रैवल कर सकते हो। और फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन आई गेस मंडे को ये बस सर्विस अवेलेबल नहीं रहती, यू नीड टू चेक ऑनलाइन, इफ़ द टिकट्स आर अवेलेबल यू कैन बुक थ्रू द bookmyshow.com और यू कैन कॉल ऑन द नंबर विच इज़ मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे ही हमारा आज का सफ़र समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ब्लॉग पसंद आया थे, तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डे।